हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आज है संडे 29 जनवरी। आज का व्लॉग हमने अभी यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, मतलब उठते साथ ही इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी अम्मी ने बहुत ही अच्छा पराठे का मिक्सचर बना के दिया था, उसके पराठे बनाए थे, तो वो आटा बचा हुआ था, तो आज नाश्ते में भी सबके लिए वो ही बना है। ये रहा तुम्हारा आज का नाश्ता, अम्मी का पसंद, तुम्हारा सबसे ज्यादा पसंद, हाँ, आपकी सबसे पसंद चटनी लाल मिर्ची और मेथी के पराठे और चाय। आपने खाया? हाँ, खा ली। और सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम, सबको अम्मी को प्यार भरा सलाम। हमारा कप देखो कितना प्यारू सा है, क्यूटू सा। ये बिल्ली है ना रिजा, हमेशा अपनी जगह में यही पढ़ाई करेगी, यही ब्रेकफास्ट करेगी, इसी तरह करेगी पूरी जिंदगी करेगी। मुझे लगता है और उसमें डांट भी मुझसे बहुत खाती है, हाँ। क्योंकि मुझे बार बार बालकनी में जाना पड़ता है, कपड़े डालना, हाँ। सुखाना, लाना, और हर बार उठती है। उसको इतने लोग बोलते हैं इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जगह कहीं कोई वहाँ पर सब आते जाते हैं, वही जगह पसंद है। और तुम पानी, अभी गर्म पानी पी रहा है। तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? करूंगा। क्या खाओगे? वही पराठे जो आप खा रही हो। तुम बस एक बार नाश्ता हो गया, दोबारा खा लियो। शादी के टाइम इतनी सारी चीजें मिली थी बेटी खाला, अब सबको ठिकाने लगा रहे हैं। उस टाइम नहीं मिला ना, हमारे छोटी है, ये छोटी है। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं आ गई ऊपर पापा की डायबिटीज चेक करने के लिए। शुगर अल्हम्दुलिल्लाह पापा की सही है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पापा बहुत अच्छे से परहेज करते हैं। और मुझे ये कहना था कि आप सबके पेरेंट्स को भी अगर डायबिटीज़ है तो आप चेक करा दें, और अगर अब तक आपने अभी पेरेंट्स का ब्लड टेस्ट नहीं कराया है तो सबका करा दें, और घर में सबका करा दें। और भाभी की अमरूद रखी थी तो मैं उठा के ले आई हूँ, अमरूद देख के तो मैं नहीं रुक सकती, तो आप सब जानते हैं। तो क्या हुआ? ये बात भी टैब है, मेरे पास सिर्फ 13% बैटरी है, प्लीज। मैं ओ भाई यहाँ से बंद करके रख देना, याद रखना। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पत्ता। हार गया बेटे, तुम करना। अभी सारे कपड़े और एक्स्ट्रा चूड़ियाँ सब कुछ हटा रहे हैं, अभी फुर्सत मिली है, सारे ये काम करके रखेंगे। बेटी खाला हेल्प कर रही है। देखो क्या मिला, सोने की, जो आपको घुमा दिया था हमने। अच्छा, हमारा, हाँ। कहाँ मिला? यही सामान में। चलो ये ढूंढ दिया, चलो अभी नाम दो, देंगे तो किस्मत लेकिन होता है। चाय छान के कह रही दे दो, हमने इसी खुशी में तस्वीर पूरी कर ले, फिर देते हैं। चाय जल जाएगी जब तक, गरम गरम चाय। जब बच्ची है, छोटे काम करते हैं, तो बड़ों का फर्ज बनता है कि उनको कुछ खाने पीने को। थैंक यू। ये लो तो साथ में तस्वीर ला रहे हैं, सही है, अच्छा लग रहा है। अभी ले रहे हम चाय ब्रेक, तो ये क्या निकला है? तो मेरे पैर में लक में क्यों नहीं डाले? हाँ तो मुझे तो नहीं याद। हाजी अली जाएंगे तो ये पूरा बैग लेके जाएंगे। अल्लाह, 3-4 साल से गड्ढा कर रही हूँ। इस तरह से झोले में कोई पैसे डालता है, इस तरह से पैसे कोई रखता है झोले। सास से कम नहीं है, दादी को पड़ गए इनके पापा, हाँ। तो और पूरा सड़ा सामान गपा गपा रख दिए, तुमने फिकवाया था, हाँ। उसी को रिजा पड़ गई है, देखो तो ये सब क्या है? दुबई का बैंक तो कभी काम आएगा ना बड़ा। ये पन्नी रखी, ये मुझे दे दो, मोहताजा मुट्ठी में नहीं आ रहा है, देखो अभी भी देखो, ये रखी थी रिजा तुम, ये तो कुछ भी नहीं है, बता। ये लोगों ने इतने साल की ईदिया, इनको जो भी हल्दी लगवाई, मेहंदी लगवाई, फलाना लगवाई, ढिमका लगवाई, मिला है, इसका क्या करोगे रिजा? ये नहीं पता कहाँ से आ गए रिजा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, उसने रखे, कान की ले ले, चाहे कुछ गले की ले ले, पतली से कुछ भी ले ले, चाहे इतने सारे मेरे पास। सारे पैसे काउंट करने में हम लोगों को 1 घंटा लगा। गरीब को चंदा दे दो भाई, देखो कितना कुछ है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हो गया, कल आपने देखा हमें नीचे की सफाई कर रहे थे और काफी सारी चीजें निकली है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। अब हम आ गए ये वाले पोर्शन को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें जब तक खुलेंगी नहीं तो फिर वो कहीं जा भी नहीं पाएंगी और यूज में भी नहीं आ पाएंगी, तो आज ये भी करना है। और फ्रेंड्स, घर की केयर और क्लीनिंग तो चलती रहेगी, लेकिन अपनी केयर भी करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हम अपने स्किन और हेयर की तो काफी ज्यादा ख्याल रख लेते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं क्या? लिप्स। विंटर्स में हमारे लिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, और साथ साथ डल भी हो जाते हैं, तो उसकी केयर के लिए मैं यूज करती हूँ, क्या यूज करती हूँ चलिए आपको बताती हूँ। मैं यूज करती हूँ वाओ स्किन साइंस की हिमालयन रोज लिप केयर
रेंज। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये हिमालयन रोज लिप स्क्रब। इसमें 100% प्योर रोज ऑयल और साथ में नेचुरल एक्सफोलिएंट। ये स्क्रब लिप्स की डेलिकेट स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है एंड ड्राई एंड डेड स्किन रिमूव करके हेल्प करता है लिप्स को नरिश करने में, टैन रिमूव करने में और लिप्स को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ हिमालयन रोज लिप ऑयल। ये ड्राई और अंडर नरिश लिप्स के लिए परफेक्ट है। इसमें है 100% प्योर रोज ऑयल विथ रियल रोज पेटल्स एंड स्वीट आमंड ऑयल। ये लिप्स की स्किन को रिपेयर एंड प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चराइज रखता है बिना ग्रीसी फील कराए। लास्ट में मैं यूज कर रही हूँ हिमालयन रोज लिप बाम। ये इन्फ्यूज है 100% प्योर हिमालयन रोज ऑयल से। इसमें कोकम बटर भी है। ये आपके लिप्स को हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड रिस्टोर करता है नेचुरल सॉफ्टनेस एंड सपलनेस लिप्स में। इस रेंज में है 99.9% नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स। ये आपके लिप्स को सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल बनाता है। बॉय स्किन साइंस की हिमालयन रोज लिप केयर रेंज में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे कि नो पैराबेन, सिलिकॉन, बीज वैक्स एंड मिनरल ऑयल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं SabaIbrahim20, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इनकी वेबसाइट पर, जो कि है buywow.in। सो बी वाव नेचुरली। तो चलो अभी लग जाते हैं काम पे। जितने गिफ्ट्स रखे वो तो अनबॉक्स करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे। और हमें आज स्पेशली इस रूम के लिए ना कुरान पाक भी लानी है, क्योंकि अभी इस घर में कुरान शरीफ नहीं है और हमें इसको एकदम ऐसा क्लीन कर देना है ताकि हम यहाँ पे भी इबादत कर सके। तो वो भी करेंगे, जो भी करेंगे वो तो आपको बताएंगे। कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आ रहा है। और रखे कहाँ, एक्चुअली पता है खोलने की प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज इतने ज्यादा नहीं रहते हैं। ये सामान को रखे कहाँ, इतने सारे डिनर सेट यूज में कैसे लें। सारी चीजें अभी हमने निकाली, अब इनके अलग अलग बैग्स बनाएंगे। कुछ यहाँ के हमारे पहचान के लोग हैं जो जरूरतमंद है, कुछ हाउस हेल्प है, कुछ मौधा भी लेके जाएंगे, कुछ रिश्तेदारों को देंगे, फिर इंशाल्लाह सबको दे देंगे। कपड़े हैं और ये लिपस्टिक्स है, इतनी सारी पर्स है, ज्वेलरी भी है। जब शादी के टाइम पे लिए थे अब इतने यूज नहीं आएंगे, लेकिन किसी के यूज आ जाएंगे। ये वाले इस बैग में रख दो, ये वाले इसमें डाल दो। क्या बनाया ये? टेलर पीटे। टेलर पीटी कैसे बनता है? एक खेजूर से, खेजूर का गुड़ से बना है इसको। कलकत्ता का है? अरे खजूर का गुड़ और क्या, चावल का, चावल का आटा, आटा। क्यों, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यूनुस इधर देखो, देखो वीडियो में तुम देखना, इधर तो देखो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। काजल किसने लगाया, किसने लगाया? बोला मुस्तकीम कहाँ? मुस्तकीम हाँ, बड़ी बड़ी मतलब बंगला में बोलते हैं। अच्छा अच्छा मन बहुत। साफ सफाई का काम करी रहते कि सडनली पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 7 बजे तक आप आ जाओ, आधे घंटे में हम लोग जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके निकले। फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बना दी तो बना ही है। मेयर रोड में 2 पुलिस स्टेशन है, तो हम लोग गलत वाले में आ गए थे, तो अभी हम दूसरे वाले में जा रहे हैं। एक तो नर्वसनेस के चक्कर में अलग कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ से भाई का जो लेटर लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी जिस घर में रहते हैं नीचे वो रेंट पे है, और भाई के नाम एग्रीमेंट है, भाई का लेटर लेने के लिए आई हूँ। चलते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग फिर से आए यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाने के लिए, लेकिन पहले जेरोक्स कराएंगे डॉक्यूमेंट्स का, जो जो हम पहले नहीं लाए थे। बाकी सारी बातें, सारी चीज़ें आपसे डिटेल में घर पहुँचे करती हूँ। जो है वो सारी बंद है, तो इसके लिए हम कल आएंगे। हाँ देखा आपने YouTube आपको? हाँ हाँ सब देखा, तो डालते हो, सब्सक्राइब किया? अरे वाह खुशी मिल गई। हेलो सही है ना? अच्छा है। बंद थी अम्मी, तो इंशाल्लाह कल जाएंगे। रिजा के जो भी पैसे हैं वो फिर कुछ से दिलाएंगे। अच्छा हुआ अम्मी, पता है किस्मत की बात होती है, मंडे था, मंडे मार्केट के दिन तो सारी शॉप्स बंद रहती है, लेकिन हमें था कि शायद कुछ खुला होगा, लेकिन बाकी लोगों से बहुत सारे मिल रही है, सबसे मिल रही है। अच्छा, तो आज एक बात की बड़ी खुशी मिली अम्मी, बहुत ज्यादा खुशी मिली कि जो फ्रूट वाले भैया है उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मेरे वीडियो देखते हैं, वो शांति नगर जूस के बारे में। उन्होंने कहा मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब किया है, आप अभी ट्रेन में गई थी, यहाँ गई थी, सब वीडियो देखते हैं। इतनी खुशी मिली, मतलब हर जगह कोने कोने में लोग हमारा वीडियो देखते हैं। मैं बैठ के खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मन कर रहा है। हम आ गए थे मार्केट से, उसके बाद जो लेटी तो मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों एनर्जी इतनी लो
कि वैसे मुझे कॉफी का इतना मन नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा आज कॉफी पीना ही पड़ेगी। तो ये रही मेरी कॉफी। और एक चीज और किचन में हो रही है, आपको मैं दिखाती हूँ। हमने जब किचन का सामान लिया था तब हमने साथ में लिया था ये सैंडविच मेकर, और जब से सैंडविच मेकर आया है इस बंदे के हाथ, इस बंदी के हाथ में हो रही है खुजली। सैंडविच बनाना, शाहरुख सैंडविच बनाना, शाहरुख सैंडविच बनाना। पर इसे तो हम वॉफल भी बना सकते हैं ना, ग्रिलर है ना ये। पर मैंने देखा है कैसा भी हो उसमें कुछ भी डालो वैसा बन जाता है। अच्छा, इसमें दो थे डिजाइन, सैंडविच मेकर और एक ऐसा, तो हम लोगों का डिजाइन वाला चाहिए। सही किया, तुम देख चुकी हो लग रहा है खोल। मैंने शॉर्ट्स में देखा था, जो आजकल बहुत एक चैनल है जो शॉर्ट्स बनाता है, तो मैंने उसमें देखा। इतना सारे सबका पेट भरा हुआ है, तो स्कूल लेके जाएंगे ना हम लोग। अच्छा, तो वेजिटेबल्स, बटर, मेयोनीज, चीज स्लाइस, टोमेटो सॉस और चटनी। चटनी सही है टेस्ट की? नहीं, मुझे ऐसे नहीं, करो करो। किसने बढ़िया ने बनाई है, 32 पे बहुत तीखी है। सैंडविच में आलू नहीं है, करो पत्ता क्लोज करो। क्यों नहीं खाओगे, थोड़ा तो आलू होना चाहिए। ये कौन डालता है? अरे ये डालते मैंने क्यूट क्यूटिस में देखा था, तो बोल दो ना शर्मा क्यों रही हो, क्यूटिस में देखा था। अरे उन्होंने डाला था, उन्होंने ऑरिगेनो तो नहीं डाला था? नहीं नहीं, ऑरिगेनो नहीं था। क्यों लगा रही हो अब, इसको देखना भी तो पड़ेगा। रात में लेट लेट के लगता है शॉर्ट्स ही देखती रहती हो। हाँ, इसके तो मैंने 2 साल से देख रही हूँ। बंद कर दो। हाँ खोल के थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो, हो रहा है? टूट जाएगा। मुझे तो खाने को दो। तो रिजा की रेसिपी कैसी हम आपको बताते हैं, रेहान ने तो पास कर दिया है। अच्छा बहुत अच्छा, बिना आलू के अच्छे बने, आलू की कमी महसूस नहीं हो रही। देख तो गैस की जरूरत नहीं, तवे की जरूरत नहीं, ले लेना एक उधर मधा में ले ले। हाँ, ले लेना। कितने की आती है? 2500 का आया है। सही है ना, बहुत। आप सबकी मोहब्बत में आप सबको दिखाने के लिए इसका ब्रांड मैं कचरे के डब्बे से डब्बे को उठा के लाई हूँ। ये वाला सैंडविच मेकर है, काफी अच्छा है। अब इसे वापस रखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फिर से नेक्स्ट डे हो गया। कल हमने ये काम अधूरा छोड़ दिया था, तो आज हम ये करने आ गए हैं। रिजा रेहान अभी स्कूल गए हुए हैं। चीजें मुझे यूज में लेना है वो सब मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। पीआर पार्सल्स यहाँ रखते जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ इसको इधर, इसको इधर। बाकी काम बाहर चल रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ का काम मम्मी कर रही है, मम्मी कर पाती है। ये शादी के टाइम पे जल्दी जल्दी सब यहीं छोड़ के कपड़े चली गई थी मैं। इलेक्ट्रीशियन भैया को भी बुलाया है रॉड लगाने के लिए। निकलेगा गद्दा? सब ताकत लग रही, जाओ ताकत लगाएंगे। फिर कैसे निकालेगी सूट के? सूट के इसका भी कोई काम नहीं है, इसको नीचे गिराना पड़ेगा गद्दे को। ये देखो टीम वर्क, बस आराम से। खाली है ये दोनों सूट केस डाल देते हैं। बैठ गए, बता देना इधर से। अब 6 बजे फ्रेंड्स हम लोग फुर्सत हुए हैं और अब लंच कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमें टाइम मिला है, अब हम नहा के फ्रेश हुए हैं। इतनी धूल मिट्टी में थे 2 दिन से, सारा काम सबने कराया, सबने, अम्मी थैंक यू, सबने बहुत काम कराया सिवाय इस लड़के के। मैं नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा कराया बेटी खाला ने और रिजा ने भी कराया। कल जिस काम के लिए मार्केट गए थे ना, मार्केट बंद था क्योंकि मंडे था, आज हम उस काम के लिए मार्केट जा रहे हैं क्योंकि रिजा के जितने पैसे निकले थे, कितने बेटी खाला? 28,000, 2,000 हमने मिला। अच्छा, तो 30 में बेटी खाला ये चाह रही है कि कुछ उसे ऐसी चीज मिल जाए जो उसको आगे काम आए। इतना इसके पैसे कोई काम का नहीं है, बच्चों को वैसे भी कोई पैसे इतना काम का नहीं होता है, और ये पैसे उन्होंने बहुत साल के रखे हुए थे। कब मिले थे बताओ सबको? ईद में, रक्षाबंधन, जब कार आई तब सब मिला, हल्दी लगवाई, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, और जूता चिरवाई भी जो अभी सनी ने दिए थे वो सारी चीजें, और एक शादी में क्या होता है छिंगी पकड़ाई, तो वो भी था, तो बहुत सारी चीजें थी। छिंगी किसने पकड़ी थी? पकड़ी नहीं, नहीं पकड़ी तुम लोगों ने? इन लोगों ने जिद नहीं करी सनी से, तुम लोग पीछे नहीं पड़े, हम लोग को दे दिए जितने मांगे, हम लोगों ने नहीं मांगे, उन्होंने कितने मांगे? 10 बोले, 10 दिए। मैंने बोला था 10, इसने 1 रुपए भी नहीं बोला था। ये शर्मा रही है, तुमने मांगे? मैंने बोला था 10। तुम लोगों ने सोचा कि आप तो थोड़ी लड़ाई कर रहे सनी भाई से, बोले ज्यादा पैसे दो, तो कोई मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया, पूरा ब्लड निकलने लगा, फिर मैं रोने लगी। तो अल्लाह, मैं तो बेचारी अलग कहीं बैठी थी, मैंने सब कुछ मिस कर दिया अपनी शादी में, सब कुछ मैं रो रही थी। हाँ, वहीं पे साइड में अलग बैठी रो रही थी, बहुत ज्यादा। क्यों रो ना, देखो आज तो तुम बोल।
तुमसे मिले अच्छे से? हाँ बहुत अच्छे से। और ये भी गिफ्ट दिया है। अच्छा बॉक्स हाँ, ज्वेलरी का रखने की इसमें कुछ है? नहीं खाली खाली गिफ्ट में दिया हाँ। तुम रिजा का देखने से पहले देखो मैंने क्या लिया अपने लिए। अच्छा ये ऊपर वाला अच्छा है ना? सिंपल सा बहुत अच्छा लग रहा है। काली मोती है ना तो अच्छा लग रहा है। बेटी खाले कह रही थी लो बेटी खाले ने मेरा दिमाग दिया कि चालू ले लो ले लो। बेटी खाले ने मेरी हिम्मत बंधा दी। मैं काफी टाइम सोच रही थी लेना नहीं लेना, वहाँ रखा हुआ था और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है तो मैंने वही का वही ले ली। कैसा है फ्रेंड्स बताना? भैया तुमने इतने पैसे जोड़े हैं। अरे कहाँ गई? चैन लाई बहुत अच्छी है सच में। डिजाइन भी अच्छी है, मुझे खुद लगता था जब पहनेगी अब तुम्हारे जैसे कि सारे पैसे चले गए हैं तो बस अभी 500 रख के काम के लिए। और कभी कुछ देना मत, कुछ गिफ्ट कुछ नहीं देना गिफ्ट। सबसे अच्छा गिफ्ट ग्रीटिंग कार्ड बना के दो, अपने दिल की बातें लिखो बस वही सबसे अच्छा है। लो पकड़ो। मुझे बहुत खुशी लग रही है, चीज आ गई मिला दी, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारे भी अभी लेंगे, इसको भी कुछ दिलाओ। हाँ चलो जूते ले लेते हैं, चल गए। नहीं नहीं चलो फ्रेंड्स, अभी हमने जो कल से पूरा ऊपर सफाई की है, कुछ कुछ जो शादी के गिफ्ट से उनको निकाल के सजाया वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। आगे जल्दी से आपको ऊपर दिखाने के लिए हमने दिनों में क्या सफाई की, क्या सामान इधर उधर किया है। घर वही है, चीजें वही है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें जो हमने ऐड कर दी है, जो हमें शादी के गिफ्ट्स में मिली थी और हमें यूज करना था, और काफी सारा सामान हमने रख दिया, दे भी दिया है बहुत सारी चीजें जो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। और ये 3 दिन का ब्लॉग कंटिन्यू है। इस ब्लॉग में ये सबसे अच्छा हुआ है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो वेरिफिकेशन सब कुछ कम्प्लीट हो गया, उसकी डिटेल सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो सारे PR पार्सल थे और शादी के कुछ और गिफ्ट थे वो भी हमने यहीं पर रख दिए हैं, इसे अनबॉक्स कल करेंगे, आज टाइम नहीं मिला, थकान भी बहुत ज्यादा हो गई है। ये वाला पोर्शन ऐसे कैसे ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड किया है। मैं आपको सबसे पहले भी किचन से दिखाती हूँ, सेट नहीं है, लेकिन जो जो चेंजेस किए हैं सिर्फ मैं आपको चेंजेस के लिए दिखा रही हूँ। अब आप कुकिंग करोगे आपको लिख के आता है रेसिपी में 15-20 मिनट तो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे लगाई है ये घड़ी। ये हमने ली थी मार्केट 99 से, ये भी लिया था। तो जो डब्बे बाहर रखे थे जो मसाले के डब्बे, ये सारी चीजें अभी हमने इसके अंदर यहाँ पे इसको ढाक के रख दी है। IKEA से हमने ये लिया था लेकिन हमने शायद गलत जगह लगा दिया, क्योंकि अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इसमें रखें क्या ऊपर। तो आप लोग हमें प्लीज सजेस्ट करना कि ये हमने यहाँ लगवा के गलती कर दिया, हम इसे हटा भी नहीं सकते क्योंकि टाइल्स में हो गया छेद, फिर वो गंदा लगेगा। तो ये टांगने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया। स्टैंड एक लेना है क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसे कहाँ रखूं। तो सबसे ज्यादा अगर हमने चेंजेस किए हैं तो हमने यहाँ पे किए हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें अंदर रखी थी हमें दिखी नहीं थी, तो आज हमने यहाँ पे इसको अच्छे से रख दिया। ये लैम्प हमें शादी के गिफ्ट में आया था, थैंक यू सो मच। और लैम्प जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हर एक चीज की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। ये हमने लिया था वेस्ट साइड के नीचे, वहाँ घर की चीजें भी मिलती है वहां से। और ये सब शायद भाभी ने बहुत पहले अमेजोन से मंगा के रखा था तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। और ये सारे डब्बे हमने यहाँ पे लगा दिए। ये हमने IKEA से लिया था टिश्यू का स्टैंड। हमारे शादी का जो यहाँ का रिसेप्शन का कार्ड था वो देखो यहाँ के डेकोरेशन के हिसाब से भी मैच कर रहा है, और यहाँ पे इसको याद के लिए रखा है। शादी के गिफ्ट में मिला था तो इसके अंदर हमने यहाँ पे कैंडल डाल के रख दी है। और ये सब भी अभी मिले थे, अभी इनको अच्छे से डेकोरेट करेंगे अलग अलग जगह पे, लेकिन अभी के लिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो IKEA से हमने बहुत पहले जब पूरे घर का डेकोरेशन का सामान ले रहे थे ये सारी चीजें ली थी, तो आज हमने यहाँ पे कील टिकवा के ये टांग दिया है। यहाँ पे जैसे बालकनी में कभी बैठ रहे हो तो यहाँ पे जो लुक है ना वो थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो ये अलग से है और ये अलग है, इनको टांग दिया इस तरह। इसमें कैंडल भी लगा सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया है लेकिन अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे हैं। मुझे ना यहाँ पे एक लाइट चाहिए LED लाइट, वो इंशाल्लाह हम बुलाएंगे भैया को लगवाएंगे। और ये सारे कपड़े हैं एक्स्ट्रा, कुछ मौदा लेके जाने हैं, कुछ सबको देने हैं, कुछ हमें टेलर भैया को देने हैं। ये रूम में कोई भी चेंजेस नहीं करे, ये इसी तरह है। इसके कर्टन्स हमें स्पेशली कुछ अलग तरीके से बनवाने हैं, लेकिन यहाँ पे आज रॉड लगवा ली है क्योंकि सनी स्पेशली बोल के गया था कि रॉड लगवा लेना, कर्टन होना चाहिए घर पे। तो अभी सबसे अच्छा अगर मेजर चेंज किसी रूम में दिख रहा है तो वो आपको दिखेगा इस रूम में, क्योंकि ये हमने कर्टन यहाँ पे आज लगवा लिया। कर्टन लिए थे IKEA से बहुत पहले। मिरर का जो पोजीशन या लोकेशन है वो हमने चेंज कर दिया है, पहले यहाँ पे रखा था, थोड़ा कॉर्नर पे कर दिया ताकि हमें ज्यादा डेप्थ मिलती है। ये मेरे कपड़े दिखाने का जो कोलैबोरेशन में हम कपड़े टांग के दिखाते हैं, ये हो गया उसका स्टैंड और ये इस तरह। तो अभी ये थोड़ा सही लग रहा है, ये अभी इधर से कुछ इस तरह है। और ये रही आपकी सभा। हमें आज कुरान शरीफ लेने पे जाना था फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि हमें यहाँ पे रखना है कुरान शरीफ,
लेकिन जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला है। और अम्मी कह रही थी कि हाफिज जी भी ले आ सकते हैं रिहान के, तो अम्मी से आज पूछ लेंगे उनसे मंगा रही है या फिर हम कल जाके ले लें। तो फिर ये रूम जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे उसकी जगह बना दी है। जो ये वाला रूम है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कर्टन्स लग गए और कर्टन से सच में बहुत ज्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है। और एकदम सोबर और लाइट कलर के कर्टन ही चाहिए थे जैसे कि ये है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब ये रूम पूरा खाली हो गया है, देखिए कोई पार्सल्स नहीं, कोई नहीं, तो अभी आने में बैठने में कोई भी चीज करने में बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है रूम? बहुत अच्छा लग रहा है, है ना। पर्दा क्यों खोला तुमने? खोला ना रिजा, नहीं पर्दा लगे दिखना चाहिए ना। जो बंद पसंद रहता मेरा बच रहा, तो मैं यहाँ पे पूरे में बड़ी सी कालीन बिछा लूं। अभी सारे गिफ्ट्स मिले थे ना, वो हमने अभी यहाँ पे डिनर सेट रख दिए हैं। और एक डिनर सेट हमने बेटी खाला को भी दे दिया क्योंकि बेटी खाला ने बहुत मेहनत करी इंशाल्लाह। तीन दिन में ब्लॉग बनाया क्योंकि ये तीन दिन बहुत ज्यादा बिजी थे। पासपोर्ट में काफी ज्यादा वेरिफिकेशन में चीजें इधर उधर हो गई थी, हमें आइडिया नहीं था। अगर आपको डिटेल जानना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं लगते, वैसे आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो फिर मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मन्नत भी मांगी थी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि पासपोर्ट बन ही जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओ फो, इधर देखो मजे से आई चीज खाई जा रही है। चलो अल्लाह हाफिज़ कर लो। अल्लाह हाफिज़।